अल्लाह करे कदमां विच तर के छला पाया गहने ओ छला पाया गहने ओ दुख ने जिंदड़ी दसैने ओ दुख ने जिंदड़ी दसैने ओ सदा मापे नहीं रहने ओ गल सुन छलिया ओ कावां मावां ठंडियां छावां सबको खड़े होके दाद देनी चाहिए, सबको खड़े होके दाद देनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों की आंखों के बिहाफ पे देखना चाहूं तो जितने भी यहाँ पर हमारे मोसेस जो हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, जो सब लोग आपके लिए खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, और जो मैं आप कह रही थी ना कि इनमें एक ऐसी चीज है जो कि इन्हें हमसे बहुत मुख्तलिफ करती है, वो इनके अंदर इनकी हौसला, इनकी अजमत, इनकी सोच की बुलंदी और इनके ईमान की पुख्तगी, जिसकी वजह से ये तीनों जो हैं ये ज़माने की बुराइयां नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अगर हम विजुअली चैलेंज लोग हैं, नहीं, ये ज़माने की बुराइयां नहीं देख सकते। अल्लाह ताला अगर आंखों की रोशनी ले लेता है ना तो खुदा से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सीने की रोशनी दे दे। वाह वाह, इन लोगों की आंखें नहीं है लेकिन इन लोगों को अल्लाह ने कोई रोशनी दी है। और ये हबीब के सदके के बाद जो मैं बड़े अदब से और बड़ी आजिज़ी से सब लोगों को, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, आप अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला किसी को औलाद का गम ना दे। औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको इन्होंने कहा ना अलमुदस्सर, एक ऐसा शख्स जिसके अपने बहन भाई हैं वो स्पेशल थे, एक वाहिद बेटा माँ का जो कि स्पेशल नहीं था, उसने पाकिस्तान में आकर 500 से ज़्यादा स्पेशल बच्चों के लिए अदारा बनाया। मैं पहली दफ़ा उसके अदारे में जब गया तो शर्मिला मैं हैरान हो गया इस बात पे कि वहाँ का जो लैंडस्केप था, शायद हमारे प्रेसिडेंट हाउस में भी ऐसा ना हो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शाह साहब आपने इतना खूबसूरत लैंडस्केप अंधे बच्चों के लिए क्यों किया है? वो कहने लगे शाह साहब बच्चे अंधे हैं, मेरी तो आँखें हैं, मैं उनके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? जब इंसान का जज्बा इतना शदीद हो और आपकी मन्नत ये हो कि अगर मेरी माँ रात को तन्हाइयों में रोती थी कि मेरे बेटे जो हैं वो मजबूर हैं और अल्लाह ने उनको उस तरह मुकम्मल नहीं बनाया, तो मैं पाकिस्तान के जितने और बच्चे हैं अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं अपना हर पैसा जो है वो उन बच्चों की कफालत के लिए लगाऊंगा। ऐसा शख्स जिसने इटली में जाके हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों रुपया कमाया और वो पैसा सारा का सारा इन 500 बच्चों के लिए घर और अदारा बनाया और उसका नाम रखा अलमुदस्सर। अगर किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान में सादिक और अमीन नहीं है, पाकिस्तान में राह रास्त पे चलने वाले लोग नहीं हैं, तो आज आपको उस अल्लाह के वली से मिलाता हूँ जिसका नाम है मुदस्सर शाह। मुदस्सर शाह साहब आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब, बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो जी। और मैं शमीला, वैसे आपने कभी आपने ऐसे देखा कि वो बच्चे जो कि ज़माने की बुराइयों से इनकी आंखें पाक है नहीं देख सकते, वो इतना खूबसूरती से परफॉर्म करें? खूबसूरत, इतना खूबसूरत इन्होंने परफॉर्म किया है, मैं तो हैरान रह गई। ये बच्चे जो हैं ये नात भी पढ़ते हैं, हर तरह का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये कलाम पढ़ रहे और नात पढ़ रहे, एक बात ये भी है कि ये बच्चे जिनको इनके माँ बाप इस अदारे के दरवाजे पे छोड़ के चले गए कि अब हम इनको नहीं पाल सकते, इनमें से बेशतर बच्चे जो चल नहीं सकते थे, बेशतर बच्चे जो खड़े नहीं हो सकते थे, मेल न्यूट्रिशन था, हर तरह से मजबूर थे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, जब वो छोड़ के चले गए तो मुदस्सर शाह ने अपनी झोली में रखा उन्हें और अपनी झोली को इतना फैलाया कि 500 से जायद बच्चे आज जो हैं वो सिर्फ जाती कमाई जो मुदस्सर शाह ने कमाई सारी जिंदगी वो इन बच्चों के लिए लगा दी। ये असल पाकिस्तानी है जी। कामरान, आप क्या कहना चाहेंगे? असल पाकिस्तान है जी, बड़ी बात है जी कि नहीं देखने के बावजूद माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग हैं जी, और अल्लाह का कलाम यानी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म। अच्छा मैं भाई देखिए, आवाज़ का तो जादू जगा सकते हैं आप, मेरे भाई जो सबसे, इनका नाम क्या है जो सबसे आखिर बैठे चिमटे पे,
अदनान भाई, आप चिमटा कैसे बजा लेते हैं? आपने किसको कैसे सीखा ये? क्योंकि देखिए हम तो देख सकते हैं, आपने कैसे सीखा ये? मैंने अलमदसर से चिमटा। आपने उनसे सीखा, फिर उन्होंने आपको पहले पकड़ना सिखाया कैसे बजाते हैं? कितना टाइम लगा आपको? तकरीबन 2 दिन। दो तीन महीने में आपने चिमटा बजाना सीख लिया जी। अरे वाह 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 वाह, आम बंदा नहीं सीख सकता। हम अगर किसी को कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखें तो पहले हम देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, फिर हमें पता होगा किस टेक्निक से पकड़ना है। लेकिन कमाल बात है, इनको पता ही नहीं है उसको किस टेक्निक से पकड़ना है। देखिए इन बच्चों को मतिया यहाँ पे इस अदारे ने ये एहसास नहीं दिलाया कि इनके अंदर कोई कमी है, बल्कि ये हमारा फख्र बन के रह गए। शाह साहब, इंतहाई मुख्तसर, आपको किस बात ने मोटिवेट किया कि जो कमाया आपने वो पाकिस्तान में लगाया और इन बच्चों पे लगाया? जी, मेरी माँ ने। आपकी माँ ने? मेरी माँ, जिसके बच्चे स्पेशल थे, तो ये जो सब कुछ था ये मेरी माँ के लिए, ये मेरी माँ की दुआएं थीं और ये मेरी माँ के लिए। आपके कितने बहन भाई स्पेशल? मेरे ये 4 बहन स्पेशल। उनके लिए आपने मन्नत मानी थी? ये मन्नत थी, मैं फ्रांस में होता हूँ, पेरिस में होता हूँ 1980 से, तो जब मैं यहाँ से गया था तो ये एक मन्नत लेके गया था कि अल्लाह मुझे दे तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो फिर मैं एक बड़ी मुख्तसर सा एक वाक्या मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा छोटा भाई ब्लाइंड था, तो मैं बाहर फ्रांस में था, मैं वापस आया तो वालद कहते हैं कि इसको किसी अदारे में एडमिशन ले के दें। तो मैंने चंद स्कूल देखे, रेजिडेंशियल जो हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में तो ऐसा दारा नहीं था, कारियां का रहने वाला हूं, कारियां शहर में ऐसा दारा नहीं था। तो मैंने 3-4 स्कूल विज़िट किए जो रेजिडेंशियल थे, उनमें एक दारा में लोअर का दारा है, मैं नाम तो नहीं लेता, उस दारे में अपने भाई को एडमिशन के लिए लेके गया। तो रात को मैं वहाँ उस दारे में अपने भाई के साथ, एक बड़ा कमरा था जिसमें तकरीबन 24-25 के लग बच्चे होंगे एक ही हाल के अंदर, तो मैं वहाँ पे भी मैं वहीं सोया के साथ। तो रात को इतनी स्मेल थी उस कमरे के अंदर कि वो कहते हैं दीवारों को वो कलर लगना, वो कलर लगा हुआ था और उसकी काफ़ी स्मेल थी, और उसके साथ किचन जाम पे वो खाना पका और वो बर्तन वहीं पे पड़े हुए थे, तो मैंने चूहे देखे। तो शायद मुझे वो रोना आ गया, तो मैं भाई के साथ सोया हुआ था, तो मेरा भाई कहता यार तुम रो रहे हो, तो मैं तो आया था उसको हौसला देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं दिल हार गया। तो मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं मैंने कोई ख्वाब देखा है। तो वो रात शायद मेरी एक टर्निंग पॉइंट थी, तो मैंने जब मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर तू मुझे दे तो मैं इन लोगों के लिए खूबसूरत दारा बनाऊं। फिर मैं बाहर गया, छोटा सा बिजनेस था, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी बरकत डाली, तो मैं फिर आर्किटेक्ट फ्रेंच ले के आया यहाँ पे। तो मैंने, आपने वो विज़िट किया है दारा, मैंने बड़े दिल से, चूँकि ये एक मन्नत थी, तो कहते हैं कि कुर्बानी उस चीज़ की दी जाती है, हाँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अपने माँ बाप की दुआओं से, इन बच्चों की दुआओं से मैंने उसको बनाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, बल्कि 2 ब्रांचेज हमने उसकी बना ली, एक बरनाला बिम्बरजात कश्मीर में, और अभी हमने दीना जेलम में एक ब्रांच का आगाज़ किया। अच्छा, इसमें सिर्फ जो देख नहीं सकते बच्चे वो हैं या जितनी भी बच्चों में जो भी नहीं प्रॉब्लम? जी, ये कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स में 3 स्कूल हैं, स्कूल फॉर ब्लाइंड, स्कूल फॉर डेफ और स्कूल फॉर LDC, मेंटली चैलेंज बच्चे उनको, तो अभी हमने फिजिकली हैंडीकैप बच्चे उनका शुरू किया। और बड़ी खूबसूरत बात यह है शर्मिला कि इस अदारे के अंदर जो मैंने इनके टीचर से भी मिला, जो साइकोलॉजिस्ट, जो साइकाइट्रिस्ट, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है, जो कि ब्लाइंड को पढ़ाते हैं, इन तमाम टीचर से मिला, वो बड़ी यंग टीचर्स हैं लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं सारी। और मैंने, यकीन कीजिए, जो क्वालिटी ऑफ तरबियत और एजुकेशन और स्किल बच्चों को सिखाते देखा, मैं दुनिया घूमता हूँ, यकीन कीजिए कि इनको कोई ऐसा कोई वाकया नहीं मैंने देखा कि मैं कहूं कि इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम हो काम। हो सकता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हो काम, उससे कम बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत से काम जो है ना वो इंडिविजुअल्स तो पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन शायद हुकूमत को भी अपनी आँखें खोलनी चाहिए और अपने ज़िम्मे का एहसास लेना चाहिए। बेशक।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाह साहब के अंदर बहुत जज्बा है और नीयत साफ थी तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद करी बेशक, और वालदा की दुआएं साथ थीं। और मतलब आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि सगे भाई बहन एक दूसरे के नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन अपने भाई बहनों के लिए जज्बा और फिर ये जज्बा ट्रांसलेट करना गैरों के लिए, एक तो होता है ना कि सिर्फ अपने घर वालों के लिए आप करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत के इनसे कोई जान पहचान इनकी नहीं है, ना कोई इनसे रिश्तेदारी है, ना कोई खून का रिश्ता है, लेकिन उनके लिए ये काम करना, सलूट टू यू, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा मैं बहुत बड़ी बात जी। अच्छा कामरान, मैं अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका मिले कि आप भी कोई ऐसी चीज़ करें या कोई फलाम करें, तो वो क्या चीज़ होगी अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी और आपको साहिब हैसियत भी काफ़ी बनाया? तो वैसे तो जी मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों की कमी है हमारे माशरे में, और ये वो तालीम पर फोकस ज़्यादा हमारा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये एक माशरे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जी एक हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पे मैं ज़्यादा ज़रा फोकस करूँगा थोड़ा सा ज़रा कि एजुकेशन ज़रा। अच्छा एजुकेशन, लेकिन जैसे हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, बल्कि कुछ लोग मुझे कहते हैं ये मत बोला करें स्पेशल बच्चे, बोला करें ये किड्स विद स्पेशल नीड्स हैं, आप इनको स्पेशल बच्चे करके दूसरी लाइन में मत खड़ा कर दिया करें, आप ये बोला करें ये बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए वैसे शमीला क्या कुछ हुकूमती सतह पर आपको लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पता है मदिया, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही निगलेक्टेड सेगमेंट है। स्पेशल एजुकेशन की वजारतें भी हैं हर प्रोविंस के अंदर हैं, लेकिन हम उसमें उस तरीके का काम नहीं देखते जिस तरीके का होना चाहिए। मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहती, मैं इस साल मैं एक ऑटिज़म सेंटर बना रही हूँ फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरी एक दोस्त है उनका एक बेटा है वो ऑटिस्टिक है, और वो अपना हर चीज़ बेच के मियाँ बीवी अमेरिका गए, उसको पढ़ाया वहाँ, उसको वहाँ जाहिर बात है बहुत ज़्यादा इन बच्चों को उनकी तरबियत के लिए स्पेशल तरीके होते हैं, गवर्नमेंट फंड करती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत तंग करते हैं, यहाँ पर इदारे हैं छोटे छोटे प्राइवेट, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक आम वालदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली मेरी दोस्त और उनके हस्बैंड जो है वो जितना उनके पास था सरमाया जो कुछ था वो लगा के दो साल वापस आना पड़ा उनको, बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड इट। यहाँ पर आए, वो बच्चे को एक ऑटिस्टिक स्कूल में कुछ अरसा रखा, लेकिन नहीं रख सके क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, दो बच्चे और भी हैं। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं। फिर जब मैंने अपने गवर्नमेंट के अंदर देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर कोई ऑटिस्टिक सेंटर नहीं है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे ज़ाहिर बात है कि सिर्फ अमीर घराने में तो नहीं, बच्चा ऑटिस्टिक कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल, और एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वहाँ मैंने अब उसको आज शुरू हुआ है वो बनना, अल्लाह करे एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो मैं उसको इस तरीके का बनाना चाहती हूँ जहाँ फ्री हो ये बच्चों के लिए, और ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों जहाँ पर उन बच्चों की वो नीड्स देखी जाएँ, उनको एक जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट उनके लिए हो। सही थी, खूबसूरत, और अल्लाह करे अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब करे। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं बिला दी तो मैं जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेकर आ रही, कहीं मजा आएगा रमज़ान करें।